नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल, सहायक आचार्य मेडिकल ऑन्कोलॉजी आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल बीकानेर में हूँ। और मैं आज आप लोगों को कैंसर के बारे में कुछ सामान्य प्रिलिमिनरी बातें बताऊंगा, जिसकी हेल्प से अपन कैंसर से थोड़ा बच सकते हैं, और यदि कैंसर की संभावना हो तो उसका जल्दी ट्रीटमेंट करवा के और उससे क्योर कर सकते हैं। कैंसर क्या है? कैंसर में क्या होता है, कैंसर एक टाइप से अपने शरीर का एक पार्ट होता है जो कि बागी हो जाता है। जैसे कई बार कई राज्य में कई सेनाएं बागी हो जाती हैं, वैसे हो जाता है। कैंसर अपने शरीर की नॉर्मल कोशिकाओं, जो सेल्स बोलते हैं, उसी से ही निकलता है। नॉर्मली अपने सब में एक नियंत्रण होता है, जैसे कि एक पूरे देश में एक हर चीज़ नियंत्रित चलती है, एक सिस्टम होता है। ऐसे ही अपने एक बॉडी में बहुत ही सुंदर नियंत्रित व्यवस्था होती है, जो कि हर चीज़ में कहाँ डिवाइडेशन होना होता है, कहाँ बढ़ना होता है, किस चीज़ को कब रुकना होता है, किस चीज़ को कब खत्म होना होता है, वो सब चीज़ें अपने शरीर में बहुत ही नियंत्रित तरीके से, संयोजित तरीके से होती है। कैंसर कब होता है? जब शरीर की कुछ कोशिकाएं, किसी भी पार्ट की कुछ कोशिकाएं हैं, वो उस सिस्टम का विद्रोह कर देती हैं, वो उस सिस्टम को मानने से मना कर देती हैं, तब वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाती हैं, शरीर के दूसरे सिस्टम का ध्यान नहीं रखती हैं, तब कैंसर होता है। यूजली अपने शरीर में हर टाइम कुछ ना कुछ कैंसर बनता रहता है। हर चीज़ में कुछ कैसी कोशिकाएं हैं जो हर टाइम बागी होती रहती हैं, अनियंत्रित होती रहती हैं, लेकिन अपने शरीर का इम्यून सिस्टम, जिसको अपने बोल सकते हैं अपने शरीर की आर्मी, उन सेल्स को वो मार देती हैं और ख़त्म कर देती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपनी जो आर्मी यानी इम्यून सिस्टम, उनको जब मार नहीं सकता है, तब वो सेल्स ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं और कैंसर हो जाता है। कैंसर दो टाइप का होता है, एक हम बोलते हैं मेलिग्नेंट टाइप का कैंसर और एक बिनाइन टाइप का कैंसर। बिनाइन टाइप के कैंसर में हालांकि वो कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से ज़्यादा बढ़ती हैं और एक गांठ या एक सूजन का रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित रूप से नहीं बढ़ती हैं, शरीर को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं, वो एक जगह ही बढ़ती हैं, शरीर के उसी पार्ट में थोड़ा नुकसान करती हैं, दूसरे सिस्टम में नहीं जाती हैं। और बिनाइन जो लीजन होता है वो सालों साल चलता रहता है, या अपन कई बार उसको सिर्फ सर्जरी से निकाल देते हैं, वो शरीर के लिए घातक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा घातक नहीं होता है, वो शरीर को खत्म नहीं करता है। एक मेलिग्नेंट टाइप का कैंसर होता है, उसमें क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स हैं बहुत तीव्र गति से अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाती हैं। जिस पार्ट में वो होती हैं उस पार्ट के जो नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल जो अंग पार्ट हैं, उनको खत्म करने लग जाती है, तथा इसके साथ साथ वो कैंसर की कणिकाएं फिर ब्लड के द्वारा या कुछ दूसरे सिस्टम के द्वारा दूसरी जगह पर भी चली जाती है, और वहाँ पर भी उसी तरीके से अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाती हैं और वो धीरे धीरे शरीर को खत्म कर देती है। तो ये कैंसर दो टाइप का होता है, एक तो मेलिग्नेंट कैंसर और एक जो है वो बिनाइन कैंसर। तो ये जो कैंसर सेल्स हैं, ये क्यों इतनी अनियंत्रित होती हैं, क्यों बागी हो जाती हैं, क्योंकि ये तो अपने शरीर का पार्ट ही है, तो फिर ये ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि इससे अल्टीमेटली तो इनको भी नुकसान होता है। इसके कई कारण होते हैं, जो कि अपन मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे कुछ कारण जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते, जो अपने हाथ में नहीं है। एक कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनको अपन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं, अपने हाथ में होते हैं। एक कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरी तरह से रोक नहीं सकते। तो फर्स्ट कारण जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते, जैसे अपनी धीरे धीरे आयु बढ़ती है, आयु बढ़ने के साथ साथ जो कैंसर सेल्स, जो भी नॉर्मल सेल्स होती हैं बॉडी की, उनके जीन में थोड़ा बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं, और वो कई बार चेंजेस इस टाइप के होती हैं कि जो कैंसर जो सेल्स हैं वो कैंसर सेल्स में बदल जाती है। तो उम्र बढ़ना अपन नहीं रोक सकते, ये एक ऐसा पार्ट है जो अपने हाथ में नहीं होता। कुछ एक कैंसर ऐसे होते हैं जो कि स्तन कैंसर है, वो यूजली महिलाओं में होता है, या तो महिला होना भी उसका एक कारण है, तो उसको भी अपन चेंज नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसे कारण है जिनको अपन, या जेनेटिक चेंजेस होते हैं कुछ जो अपन चेंज नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसे कारण है जो अपन रोक नहीं सकते, लेकिन अपने को पता होना चाहिए, अपन उसको जल्दी पकड़ लें। कि दूसरे कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनको अपन रोक सकते हैं, जैसे अपन की जो जीवन शैली है, जीवन शैली बहुत ही खराब होती है कुछ लोगों की, वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एकदम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, तो उसको अपने को चेंज करना होगा, क्योंकि तब जो सेल्स जो शरीर है वो मोटा हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। इसके अलावा अपने कुछ व्यसन करते हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग एक ऐसा पार्ट है जो कि 90% जो कैंसर्स हैं उनका एक कारण स्मोकिंग होता है, हालांकि हर कैंसर के मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज होते हैं। दूसरा स्मोक लेस टोबैको जिसको बोलते हैं, जिसमें अपन पुड़िया बोलते हैं या जर्दा बोलते हैं, वो एक इसका कारण है। तो यदि अपन टोबैको यूज़ करेंगे तो खासकर जिसमें मुँह का कैंसर, जो कि अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि अपने यहाँ पे जर्दा ज़्यादा यूज करता है, यदि इन सबको अपन अवॉइड करें तो अपन कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन, यदि अपन अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करेंगे
तो ये भी एक कैंसर का कारण होता है। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, सेडेटरी लाइफस्टाइल से दूर रह के व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें। दूसरा, अल्कोहल, स्मोकिंग और अन्य जो व्यसन है उनसे अपन यदि बच के रहें तो अपन कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। आज की लाइफस्टाइल बहुत ही कॉमर्शियल हो गई है, हर आदमी जीवन में भागता दौड़ता रहता है, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देता है, नींद प्रॉपर नहीं ले पाता है, अपने शरीर को आराम प्रॉपर नहीं दे पाता है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ से बिल्कुल दूर रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, अपने परिवार को समय दें, अपने बच्चों के साथ कुछ हैप्पी लाइफ है जो वो बिताएं। तो यदि अपने बॉडी में स्ट्रेस नहीं रहेगा तो भी कैंसर होने के चांसेस कम रहेंगे। ये कुछ मेन मेन जो कारण है जो कि कैंसर होने के कारण होते हैं। अब इसके अलावा यदि अपने को कैंसर हो तो अपन उसको कैसे पहले पहचाने, कैसे कैंसर है वो अपन उसको जल्दी पकड़े ताकि अपन उसका इलाज कर सकें। इसके लिए अपने को कैंसर के जो साइन एंड सिम्टम है, कैंसर के कारण जो तकलीफें बॉडी में शुरुआत में आती है, वो अपने को पता होना चाहिए। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी के हर पार्ट में हो सकती है। कैंसर स्किन में हो सकता है, कैंसर ब्रेन में हो सकता है, कैंसर आंख में हो सकता है, नाक, कान, गला, फेफड़ा, बॉडी का हर जो पार्ट है जिसमें जो कि जीवित पार्ट है उसमें कैंसर हो सकता है। और जो कैंसर के लक्षण हैं वो भी उस पर डिपेंड करता है कि आपके कैंसर किस पार्ट में हो रहा है, उसके आधार पे कैंसर के लक्षण है वो आते हैं। तो जो मुख्यतः जो कैंसर है, जो कॉमन कैंसर होता है, वो अपने हेड एंड नेक कैंसर, जिसको ओरल कैंसर कहते हैं, वो अपने इंडिया में कॉमन है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही अपन जल्दी उसको पहचान सकते हैं। जैसे अपन कई बार ब्रश करते हैं उसके बाद अपने मुंह को देखें, यदि अपने मुंह में कोई सफ़ेद टाइप की बर्थ है जो ठीक नहीं हो रही है, या अपने मुंह में कोई या जीभ पे ऐसा कोई छाला या घाव है जो लंबे टाइम तक इलाज लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, 1 महीने से ज़्यादा तक वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो कैंसर हो सकता है। तो तुरंत अपने अलर्ट हो जाएं, प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज कराएं और जांच कराएं कि कहीं आप कैंसर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जैसे फेफड़े का कैंसर है, तो फेफड़े के कैंसर में क्या होता है कि पेशेंट को सांस में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन हो सकता है, कफ के साथ खून आ सकता है, मुंह में सूजन आ सकती है, उसके कारण चक्कर आना या इस टाइप के सिम्टम हो सकते हैं। तो इस टाइप के सिम्टम भी यदि आपको लंबे टाइम तक हो रहे हैं तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएं, तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा यदि पेट का कैंसर है, भोजन का कैंसर है, तो उसमें अपने को खाना खाने के बाद उल्टी आना, थोड़ा सा खाना खाते ही ऐसे लगना कि एक रोटी खाते ही ऐसे लगना कि जैसे 3-4 रोटी खा ली है, बाफरे जैसा आना, अपने यूजली जो अपन सुबह निवृत्त होते हैं, जो अपने डिफिकेशन की जो एक प्रॉपर आदत है, कोई आदमी 1 दिन में 2 बार जाता है, कोई आदमी 2 दिन से 1 बार जाता है, तो वो कोई कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या अबनॉर्मलिटी नहीं है, हर आदमी का अपना एक तरीका होता है। लेकिन आपके रूटीन से यदि कुछ चेंज हो रहा है, जैसे आदमी कोई रोज़ फ्रेश होता है लेकिन अब उसको प्रॉब्लम हो रही है, अब उसको कंटिन्यूस कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या अल्टरनेट कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया हो रहा है, तो उसको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। या जैसे किसी के जो स्टूल है उसमें ब्लैक कलर या रेड कलर आने लग जाता है, तो उसको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा जैसे फीमेल्स हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है, तो यदि किसी भी फीमेल है उसको अपने ब्रेस्ट में कोई भी छोटी सी गांठ महसूस हो, और इवन हर महिला को महीने में 1 बार नहाने के बाद कपड़े पहनते वक्त अपने ब्रेस्ट का हाथ से एग्जामिन करना चाहिए ताकि उसको कोई भी गांठ या कुछ भी थोड़ा सा फील हो रहा है तो तुरंत वो अपने डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि यदि बहुत ही शुरुआती स्टेज में अपन ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ लेते हैं तो न केवल अपन उस ब्रेस्ट कैंसर से मुक्त हो जाते हैं बल्कि अपन अपने ब्रेस्ट को भी बचा सकते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट है वो महिला के लिए बहुत ही एक स्टेटस सिंबल होता है, तो यदि अपन बहुत शुरुआती स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ लें तो सिर्फ उस कैंसर के पार्ट को निकाल के उस ब्रेस्ट के अफेक्टेड ब्रेस्ट को बचा सकते हैं, जो कि एक महिला के लिए बहुत ही ठेस वाली हालत हो जाती है यदि पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है। इसी प्रकार यदि किसी महिला के मासिक धर्म में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई महिला 60 साल के बाद यूजली मासिक धर्म बंद हो जाता है, लेकिन यदि मासिक धर्म बंद होने के बाद वापस से यदि ब्लीडिंग होती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। तो तुरंत उसको मासिक धर्म के बाद वापस मासिक बंद होने के बाद यदि मेनोपॉज के बाद यदि वह मासिक धर्म शुरू हो तो तुरंत उसको महिला डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें गर्भाशय का कैंसर होता है और गर्भाशय का कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि यदि अपन शुरुआत में पकड़ लेते हैं तो बहुत छोटी सी सर्जरी से ही 100% बीमारी का क्योर हो जाता है, और यदि अपन लेट करते हैं चौथी स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो फिर उस बीमारी से अपन बच नहीं सकते। ये कुछ एक मैंने आपको उदाहरण दिए हैं जो लक्षण हैं जिनको अपन यदि देख के अपन
कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके अलावा अपन प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ एक बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है, वो बहुत छोटी, यानी इवन आपको ब्रेस्ट में गांठ महसूस नहीं हो रही उससे पहले भी अपन पकड़ लें तो और भी बढ़िया है। उसके लिए गवर्नमेंट्स के ऐसे रिकमेंडेशन हैं, हमारी गाइडलाइंस हैं कि हर 40 साल के बाद हर महिला को 2 साल में एक बार मेमोग्राफी करना चाहिए। मेमोग्राफी क्या होती है, उसमें ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, तो उसमें इवन इतनी छोटी गांठ जो कि अपने पालपेट करने से, एग्जामिन करने से पकड़ में नहीं आती, उससे पहले भी उसमें दिख जाती है, और उस स्थिति में अपन उसको 100% क्योर कर सकते हैं। इसी तरह महीने में एक बार हर महिला को अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन करना चाहिए, और पुरुषों में यदि कोई पुरुष है, यदि वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है तो उसको 2 साल में एक बार एक्सरे या फिर लंग के लिए एग्जामिन करवा लेना चाहिए। ये कुछ एक जो प्रिवेंशन के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं। अब किसी मरीज को यदि ये शक हो गया है कि उसको कैंसर है या ऐसा कोई सिम्टम आ गया जिसमें कैंसर है, तो फिर उसका सबसे पहले हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस भी इस पर डिपेंड करता है कि जो सिम्टम है या साइन है वो कौन से पार्ट से है, उसके आधार पे हम उसके कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, कुछ एक्सरे या सिटी स्कैन जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और लास्ट में हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में हम क्या करते हैं कि उस जो जहाँ पर हमको कैंसर का शक है उस पार्ट को हम थोड़ा सा निकाल कर उसको हम एग्जामिन करते हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि यदि किसी को कैंसर हो गया है और उसको यदि छेड़ लेंगे तो वो फैल जाएगा, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है, बायोप्सी करके हम कैंसर किस टाइप का है, कैंसर का प्रकार क्या है, उसकी उस मॉलिकुलर हम टेस्ट करते हैं जिसकी हेल्प से हम उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा ढंग से कर सकते हैं। सिर्फ कैंसर होने से, लंग कैंसर जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो लंग कैंसर कोई एक ऐसा कैंसर, एक कैंसर नहीं है, वो हजारों टाइप के कैंसर है, हर आदमी का अपना अलग कैंसर है। तो किसी को ये पता चल जाए कि लंग कैंसर है तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते, सिर्फ हम बायोप्सी से उसका टाइप देखेंगे वो किस टाइप का लंग कैंसर है। उसके बाद आजकल बहुत ही एडवांस टेक्निक आ गई है जिससे हम उसका मॉलिकुलर टेस्ट करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो सेल्स हैं इसमें ऐसा क्या चेंज आ गया जिसके कारण ये कैंसर बन गई है, और जो चेंज आया है उसी को हम टारगेट करके और हम दवा देने की कोशिश करते हैं जिसको हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। इस टाइप से हम पहले डायग्नोसिस करते हैं, और डायग्नोसिस करने के बाद हम ये देखते हैं कि कैंसर कितना फैला हुआ है, उसके बेसिस पे हम स्टेजिंग डिसाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं कौन सी स्टेज है, कितने स्टेज के कैंसर हो गए हैं। तो ये हम यूजली 5 स्टेज में डिवाइड करते हैं, बाकी अलग अलग कैंसर में अलग अलग टाइप होते हैं। 0 से 5, 0 स्टेज वो होती है जिसमें कि वो कैंसर अभी तक बना नहीं होता है, कैंसर बन सकता है, जिसको हम कार्सिनोमा इन सिटू बोलते हैं, उसका हम सर्जरी से निदान कर सकते हैं। 1st स्टेज में वो यूजली जिस पार्ट का कैंसर है उसी के अंदर होता है, आसपास कहीं नहीं फैला होता। 2nd और 3rd स्टेज में वो आसपास के ऑर्गन्स में भी चला जाता है, और 4th स्टेज में वो दूसरे पार्ट में, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल जाता है। तो यूजली 1st और 2nd स्टेज में हम इसको क्योर कर सकते हैं, 3rd और 4th में क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। फिर हम ट्रीटमेंट पार्ट में आते हैं। ट्रीटमेंट यूजली जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सर्जरी जिसमें हम कैंसर के जो भी कैंसर है उसको हम निकाल के फेंकते हैं, दूसरा रेडियोथेरेपी जिसमें जहाँ कैंसर है उसमें विकिरणों द्वारा इलाज करते हैं, और तीसरा जो पार्ट है इसका वो है जो मेडिसिन से हम इलाज करते हैं जिसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो कि कैंसर के कण को ख़त्म करती हैं, या आजकल कुछ नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसको हम इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, जिसमें कि हम इम्यून सिस्टम, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो फेल हो गया है, जो कैंसर सेल्स को पहले पहचान के खत्म कर रहा था लेकिन अभी खत्म नहीं कर पा रहा है, वो हम उस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं जिसको इम्यूनोथेरेपी करते हैं, उससे उसको हम कम करके खत्म करने की कोशिश करते हैं। और एक होता है टारगेटेड थेरेपी जिसमें जो कैंसर के जहाँ पे डिफेक्ट है उसको हम रिपेयर करने की या उस डिफेक्ट पे अटैक करके कैंसर सेल्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से मैंने आपको कैंसर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दी है। अब अगली बार हम अलग अलग कैंसर के बारे में आपको बताएंगे भी, हर एक स्पेसिफिक कैंसर के बारे में भी, उसके क्या साइन सिम्टम होते हैं और उसमें हमको क्या कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, यदि डायग्नोसिस हो गया है तो हम उसका कैसे बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।